दोस्तों, ये आदमी पेड़ के पास बैठा होता है, तभी ये पेड़ आदमी को निगल जाता है। फिर ये किसी बंजर जगह आ जाता है, तब ये आदमी कहता है, ये मैं कहाँ आ गया, यहाँ तो मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। फिर ये आदमी पानी पानी चिल्लाकर पानी देखने लगता है, तभी ये लड़का पेड़ के पास आता है, तो पेड़ इसे भी अंदर खींच लेता है और ये भी यहाँ आ जाता है। इधर इस आदमी को एक नल दिखाई देता है, तो ये जल्दी से नल चलाने लगा है, लेकिन नल से एक बूंद भी पानी नहीं निकलता। इधर ये लड़का पेड़ पर सो रहा होता है, तो पेड़ इसे भी निगल जाता है। फिर ये भी यहाँ आकर कहता है, ये कौन सी जगह है। फिर ये दोनों लड़के इस आदमी के पास आते हैं, तब ये लड़का कहता है, भाई तुम पेड़ के अंदर कैसे चले गए थे। तब ये आदमी कहता है, पता नहीं भाई। तब ये लड़का कहता है, जो भी है हमें यहाँ से निकलने का रास्ता देखना होगा। फिर ये तीनों रास्ता ढूंढने लगते हैं, तभी इन्हें ये ऑक्सीजन लगाए हुए ये लड़का दिखता है। फिर ये आदमी लड़के के पास आकर कहता है, भाई तुम कौन हो और तुमने ऑक्सीजन मास्क क्यों लगा रखा है। तब ये लड़का कहता है, ये ऑक्सीजन तुम्हारी वजह से लगाना पड़ता है। तब ये आदमी कहता है, वो कैसे। लेकिन अब लड़के ने जो बताया उससे पहले श्याम बाबा जी का नाम लेकर वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री श्याम जरूर से लिखना। दरअसल ये पेड़ों का राजा होता है और इन्हें पेड़ लगाने की कहकर बाहर भेज देता।